फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने पिछले एग्जाम्स में पूछे गए रोमांटिक एज से रिलेटेड क्वेश्चंस को किया। आज उसी सीरीज में हमने आगे शुरू किया है नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ रोमांटिक एज। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चंस रिलेटेड विद रोमांटिक एज। फर्स्ट वन, एफ स्कॉट फिट्ज़गेरल्ड, टेंडर इज नाइट। जो एफ स्कॉट फिट्ज़गेरल्ड जो थे, उनका जो नॉवल था टेंडर इज नाइट, उन्होंने जो ये टाइटल है ये कहाँ से लिया गया है? ये जो है ओड टू नाइटिंगेल के एक लाइन है टेंडर इज नाइट, तो वहाँ से इन्होंने ये उठाया है। सेकंड, हैव यू लेस विंग्स ऑफ पोइट्री, ये जो लाइन है कहाँ देखने को मिलती है? ये ओड टू नाइटिंगेल में। ओड टू नाइटिंगेल पब्लिश्ड इन, ओड टू नाइटिंगेल किस ईयर में पब्लिश हुई थी? 1819 में। 1819 इज़ क्रूशियल ईयर फॉर जॉन किट्स, बिकॉज मैनी इम्पोर्टेंट पोएम्स ऑफ जॉन किट्स वॉज रिटन बाय जॉन किट्स इन दिस ईयर। फॉरलॉन, द वेरी वर्ल्ड इज़ लाइक ए बेल, ये लाइन भी लास्ट जो पैसेज, लास्ट जो स्टेंजा है ओड टू नाइटिंगेल का, उसकी फर्स्ट लाइन के अंदर देखने को मिलता है, जिसके अंदर ये बताना जॉन किट्स को अपनी जो डेथ है उसका आभास होने लगा था, और इस लाइन के थ्रू हमें वे अपनी डेथ का ही कुछ संकेत देने की कोशिश करते हैं। जैसे हम देख सकते हैं बेल भी यहाँ दिखाया गया है। नेक्स्ट वन, विच एपिक पोएम ऑफ रॉबर्ट साउदर डील्स विद इंडियन सुपरस्टिशन एंड हिंदू माइथोलॉजी, कौन सा ऐसा वर्क है रॉबर्ट साउदे का जो हिंदू माइथोलॉजी और इंडियन सुपरस्टिशंस के ऊपर आधारित है और कॉलोनिज्म के बारे में भी बताता है, तो वो कौन सा है? कर्स ऑफ केहामा। रॉबर्ट साउदे के को जो पढ़ा था हमने, तब डिस्कस भी किया था कि उनके जो वर्क्स हैं वो किसी न किसी जो टेल है या फिर कोई ना कोई जो मतलब आइडियोलॉजी है, जैसे ग्रीक है या फिर अरेबियन है या फिर हिंदू है, जो इस तरह के जो कंसेप्ट हैं वो हमें रॉबर्ट साउदे में देखने को मिलते हैं। आवर्स ऑफ आइडलनेस रिटन बाई, ये जो वर्क है ये पोइट्री कलेक्शन है लॉर्ड बायरन की, जिसको हाईली क्रिटिसाइज किया गया था एडिनबरा रिव्यू के द्वारा, तो ये जो वर्क है किसके द्वारा लिखा गया है? लॉर्ड बायरन के द्वारा। बेपो, लॉर्ड बायरन का एक वर्क है बेपो, ये जो है उन्होंने वेनिस में लिखा था, और इसका सब टाइटल क्या है? वेनेटियन स्टोरी। मैनफ्रेड इज एग्जाम्पल ऑफ गोथिक फिक्शन, मैनफ्रेड जो है वो, उसकी जो स्टोरी है उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है, यह ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है, इसका एपिग्राफ जो है वो हैमलेट से उठाया गया है, और मैनफ्रेड के अंदर भी हम ऐसा ही करेक्टर देखते हैं जैसे डॉक्टर फोस्टर्स है। मैनफ्रेड भी जो है सेवन स्पिरिट्स को बुलाता है, तो कुछ इस प्रकार की स्टोरी हमने डिस्कस की थी मैनफ्रेड के अंदर, तो किस प्रकार का एग्जाम्पल है गोथिक फिक्शन का। द चाइल्ड हैरोल्ड पिलग्रिमेज इज, चाइल्ड हैरोल्ड पिलग्रिमेज जो है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? लॉर्ड बायरन के द्वारा। इम्पोर्टेंट पोएम है और इस यह स्पेंसर एंड स्टेंजा के अंदर लिखी गई थी। इसके अंदर यह दिखाया गया है कि एक वार से है बहुत ज़्यादा डिसिल्यूजेंट पर्सन है जो फौरन में उसे वार की जो मेमोरीज हैं उनको भुलाने के लिए जाता है। नेक्स्ट वन, आई वांट ए हीरो अनकॉमन वांट, ये जो लाइन है ये कहाँ देखने को मिलती है? डॉन जुआन में। मैं आपको ये कहूँगी कि लॉर्ड बायरन के थ्री वर्क्स जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैनफ्रेड, चाइल्ड हैरोल्ड पिलग्रिमेज और डॉन जुआन। डॉन जुआन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार उनसे क्वेश्चंस को उठाया है, तो डॉन जुआन जो है को जब वो टाइटल उठा रहे थे तो उन्होंने ये सोचा था कि मैं कुछ ऐसा नाम रखूँगा जो अनकॉमन वांट होगा, जो पहले कभी नहीं आया होगा, मैं ऐसा हीरो चाहता हूँ, तो ये लाइन जो है कहाँ देखने को मिलती है? डॉन जुआन में। नेक्स्ट वन, डॉन जुआन जो है वो एक इनकम्प्लीट सेट्रिकल पोएम है, किसकी? लॉर्ड बायरन की। इन डॉन जुआन बायरन किस किस को क्रिटिसाइज़ करता है? डॉन जुआन के अंदर जो है विलियम वर्ड्सवर्थ, साउदे और कोलरिज जो है उनको जो है क्रिटिसाइज़ करता है लॉर्ड बायरन। डॉन जुआन के अंदर भी हमें किसकी जो है करेक्टर की झलक मिलती है? लॉर्ड बायरन की खुद की। अगला है टेबल टॉक रिटन बाय, टेबल टॉक जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? एसे कलेक्शन किसके द्वारा लिखा गया है? विलियम हैजलिट के द्वारा। माई फर्स्ट एक्विंटेंस विद पोइट्स रिटन बाई, ये वर्क भी विलियम हैजलिट का है, जिसके अंदर वो वर्ड्सवर्थ और कोलरिज से मिलता है, तो वो जो मिलना है उसके अंदर ये दिखाता है।
विच वर्क ऑफ थॉमस डी क्विंसी रिलेटेड विद वर्ड्सवर्थ हाउस होल्ड. थॉमस डी क्विंसी का एक कन्फेशंस ऑफ अफीमीटर जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो उसकी बायोग्राफी से जो उसकी ऑटोबायोग्राफी से रिलेटेड है. और उसके अंदर उन्होंने जो दुख है, एक अफीम एडिक्शन का जो लत है, उसका जो दुख है वो दिखाया है. और इसके साथ साथ जो सेकेंड वर्क है ये भी इम्पोर्टेंट है उनका, रेमिनिसेंसेज ऑफ इंग्लिश लेक पोइट्स. नेक्स्ट है हु रोट हिस्टोरिकल रोमांस. मैंने जब आपको वॉल्टर स्कॉट करवाया था तो बताया भी था कि एक ऐसा नॉवलिस्ट है जिसने हिस्ट्री को कवर किया था अपने नॉवल्स के अंदर, वो कौन थे? वॉल्टर स्कॉट. इसीलिए उनको कहा जाता है कि वो हिस्टोरिकल नॉवलिस्ट हैं. वेवरली एथर भी उन्हें कहा जाता है. और थर्ड वन जो है हिस्टोरिकल रोमांस राइटर जो है कौन है? वॉल्टर स्कॉट. नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस. नॉर्थंगर एबे इज़ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ. नॉर्थंगर एबे जो है वो जेन ऑस्टन ने लिखा था, और जो ये पोस्टमसली जो है वो पब्लिश होता है, इसके अंदर क्या बताया गया है, इसके अंदर क्या पूछा गया है कि ये जो है किस टाइप का नॉवल है? तो गोथिक फिक्शन टाइप नॉवल है. हु इज़ क्लेवर एंड रिच, जो ये स्टेटमेंट है किसके बारे में दी जाती है? एमा के बारे में, जो जेन ऑस्टन ने लिखा था, जिसके बारे में एक स्टेटमेंट जेन ऑस्टन ने भी दी थी कि आई वांट ए हीरोइन होम नो वन लाइक आई लाइक द मोस्ट. इमेजरी कन्वर्सेशंस बाई वाल्टर सेवेज लैंडर जो एक राइटर है, उन्होंने ये वर्क दिया था. ये वर्क काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि ये जो इमेजिनरी कन्वर्सेशंस हैं, जिसके अंदर उन्होंने इमेजिनरी कन्वर्सेशंस दिखाई हैं राइटर्स के आपस में, तो ये जो है, ये जो वर्क है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? वाल्टर सेवेज लैंडर के द्वारा. थिंग्स एज दे आर, ये वर्क किसने लिखा था? विलियम गोडविन ने लिखा था. इसका सब टाइटल क्या है? एडवेंचर्स ऑफ काले विलियम्स. ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि विलियम गोडविन ने एक वर्क लिखा था थिंग्स एज दे आर, इसका सब टाइटल क्या है? एडवेंचर्स ऑफ काले विलियम्स. एपिग्राफ ऑफ फ्रैंकेंस्टीन. मैरी सैली, पीवी सैली वाइफ, मैरी सैली ने एक गोथिक नॉवल लिखा था, उसका क्या नाम था? फ्रैंकेंस्टीन. तो फ्रैंकेंस्टीन जो है उसका जो एपिग्राफ है वो कहाँ से लिया गया है? पैराडाइज लॉस्ट से. फ्रैंकेंस्टीन जो है वो डेडिकेटेड टू, किसको डेडिकेटेड है? विलियम गोडविन, जो उनके फादर थे, उनको डेडिकेटेड है. सब टाइटल ऑफ फ्रैंकेंस्टीन, फ्रैंकेंस्टीन का सब टाइटल क्या है? मॉडर्न प्रोमेथियस. एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है फ्रैंकेंस्टीन से रिलेटेड, कि सभी की जो डेथ है वो हो जाती है मॉन्स्टर के द्वारा, लेकिन एक आदमी है जो जिसकी डेथ जो है वो नहीं होती है, तो वो खुद जो है उसको बनाने वाला है फ्रैंकेंस्टीन. कैसल ऑफ ओट्रेंटो किसके द्वारा लिखा गया है? होरेस वॉलपोल, जो रॉबर्ट वॉलपोल के बेटे थे, उनके द्वारा लिखा गया है, जो एक गोथिक नॉवलिस्ट हैं. मैनफ्रेड करैक्टर इन, मैनफ्रेड जो करैक्टर है वो कहाँ देखने को मिलता है? कैसल ऑफ ओट्रेंटो, जो होरेस वॉलपोल ने लिखा, वहाँ देखने को मिलता है. मिस्ट्रीज ऑफ यूडोल्फो, एन रेडक्लिफ जो है उसका वर्क था मिस्ट्रीज ऑफ यूडोल्फो. इसके बारे में क्या दिखाया गया है? एडवेंचर्स ऑफ एमिली, जो एमिली है हीरोइन है वो वेलन कोर्ट से प्यार करती है, कैसे वो घूमने जाती है, प्यार हो जाता है, बाद में उसके जो अंकल आंटी हैं वो उसे ले जाते हैं, वहाँ से वो कैसे भाग निकलती है, तो कुछ इस प्रकार की स्टोरी है वो हमें देखने को मिलती है मिस्ट्रीज ऑफ यूडोल्फो में. इट इज़ यूनिवर्सली अक्लेम्ड दैट ए सिंगल मैन इन पोजिशन ऑफ ए गुड फॉर्च्यून मस्ट बी इन वांट ऑफ ए वाइफ. ये लाइन कहाँ से ली गई है? जेन ऑस्टन का एक नॉवल था प्राइड एंड प्रेजुडाइज, जो उनका सेकेंड नॉवल था, इम्पोर्टेंट नॉवल है. इसके अंदर जो मिसेस बेनेट होती हैं वो एक स्टेटमेंट देती हैं कि जो आदमी जिसका अच्छा खासा ब्योत होता है उसको एक जैसे एक गुजारा करने के लिए एक वाइफ की ज़रूरत होती है. कहने का अर्थ यह है कि एक आदमी जिसके पास अच्छे खासे पैसे हैं, अच्छी नौकरी है, तो वो उसको और क्या चाहिए? एक अच्छी पत्नी चाहिए. और मिसेस बेनेट चाहती भी थी कि उनकी जो डॉटर्स हैं उनकी शादी जो है वो बड़े बड़े घरानों में हो, अमीर लड़कों से हो. तो ये स्टेटमेंट किसके द्वारा कही गई थी? मिसेस बेनेट के द्वारा, किस में? प्राइड एंड प्रेजुडाइस. नेक्स्ट है इन विच वर्क वी फाइंड ए फादर किल्ड हिज डॉटर. किस वर्क में एक फादर जो है अपने डॉटर को मार देते हैं? कैसल ऑफ ओट्रेंटो, होरेस वॉलपोल. मैनफ्रेड जो है अपनी ही बेटी मैथिल्डा को अननोविंगली जो है वो इस वर्क के अंदर मार देते हैं. तो आज हमने किया रोमांटिक एज से रिलेटेड पिछले एग्जाम्स में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को.
नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम देखेंगे रोमांटिक एज से रिलेटेड लिटरेरी मोमेंट्स और स्कूल्स को। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।